बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालिन क्लासरूम। स्कालिन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें समझनी होती हैं बोलने से पहले। अगर ये स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आ जाती हैं तो हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे हम टेंसेस सीखते हैं, जैसे हम पैसिव वॉइस सीखते हैं, सेम तरीके से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको सीखना। तो आज मैं चंद उनमें से स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे उनको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से यूजेज है उनका। तो आइए हम वीडियो आगे बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं अल्दो पर, अल्दो और येट। अगर इसकी हम मीनिंग देखें, उर्दू के अंदर बनती है हालांकि, फिर भी। ठीक है, हालांकि फिर भी, हालांकि फिर भी। अब इसको अगर आप सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि पहले आप रखेंगे अल्दो को, ठीक है, ये रखेंगे अल्दो वर्ब ऑब्जेक्ट येट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर वर्ब को ओपन छोड़ा हुआ है क्योंकि ये तमाम टेंसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के अंदर, सेकंड फॉर्म के अंदर, थर्ड फॉर्म के अंदर, फोर्थ फॉर्म के अंदर, ये भी इसी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक वो जिसमें आप अल्दो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्दो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरा हिस्सा है येट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये दो हिस्से हैं, इसको आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस है आपका हालांकि तुमने गलती की पर मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे इस तरीके से, अल्दो अल्दो यू मिस्टुक, तुमने गलती की, अल्दो यू मिस्टुक। देखें यहां पर अल्दो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आ गई, येट आई फॉरगिव यू, येट आई फॉरगिव यू। ठीक है, सेंटेंस बन गया, हालांकि तुमने गलती की पर मैं तुम्हें फिर भी माफ़ करता हूँ। सेम तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे आप अगर कहें हालांकि तुमने मेरा दिल दुखाया मगर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अल्दो यू हर्ट मी येट आई फॉरगिव यू, हालांकि मुझे देर हो रही थी फिर भी मैं रुका या मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, अल्दो आई वॉज गेटिंग लेट येट आई स्टेड और वेटेड फॉर यू। अब इस तरीके से इसके सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझना होगा, हालांकि फिर भी। जब आप उर्दू के अंदर इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल रहे होते हैं उसको इंग्लिश में करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर लाजमी फॉलो करनी होगी। दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है नॉट टू स्पीक ऑफ एंड इवन का, नॉट टू स्पीक ऑफ एंड इवन का। अच्छा, नॉट टू स्पीक ऑफ और इवन की माना मतलब क्या होगा उर्दू के अंदर, दूर की बात। ठीक है, दूर की बात। अब दूर की बात कैसे, आप कहते हैं ना कि खाना खाना तो दूर की बात, मैंने चाय तक नहीं पी। ठीक है, दूर की बात और तक, ये सेंटेंस है, इसके दो स्ट्रक्चर है ना, नॉट टू स्पीक ऑफ इवन। अब पानी पीना तो दूर की बात, ठीक है, मैंने जो है, या चाय पीना तो दूर की बात, मैंने पानी तक नहीं पिया, उससे बात करना तो दूर की बात, मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करता। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको कैसे फॉलो करने होंगे ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। अब इसका भी स्ट्रक्चर है जो कि हमें फॉलो करना होगा, अगर हमें इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। पहले पहले आप लगाएंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, ये आएगा पहले पहले, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, यानी आई एन जी फॉर्म आ जाएगी, नॉट टू स्पीक ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट, फिर आएगा इवन, देन नेगेटिव सेंस, ये तकरीबन दूसरा हिस्सा जो होगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। अब नेगेटिव आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो नेगेटिव को मैं ओपन छोड़ रहा हूँ कि कोई भी नेगेटिव आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब आएगा, इसको भी ओपन छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव अगर प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कंटिन्यूस का है, तो उसके मुताबिक हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब को, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि
खाना खिलाना तो दूर की बात, उसने चाय तक नहीं पूछी, ठीक है, या चाय पीना तो दूर की बात, मैंने पानी तक नहीं पिया। अब इसको कैसे बनाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ, पहले क्या रखेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ टेकिंग टी, वर्ब आ गया टेकिंग एंड टी, नॉट टू स्पीक ऑफ, ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेकिंग टी, आई इवन डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, इवन आई इवन डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अच्छा, ये इवन की पोजिशन जो है वो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकती है, इवन आई डिड नॉट, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। तो जो प्रॉपर जो है वो ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद जो है इवन को रखेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से आप कहते हैं कि माफ़ी मांगना तो दूर की बात, मैं उससे बात तक नहीं करूँगा। नॉट टू स्पीक ऑफ अपोलोजाइजिंग टू हिम, आई इवन विल नॉट या वुड नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक के बाद है नॉट ओनली एंड देन बट ऑल्सो, इसका भी स्ट्रक्चर है जो कि हमें सीखना होगा, मगर इसको उर्दू में किस तरीके से बोलते हैं, ना फकत या ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक, सॉरी मैं कह रहा हूँ नॉट ओनली। अच्छा, इसमें पहले पहले नॉट ओनली नहीं आएगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट ओनली, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब को मैं ओपन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी वर्ब की कौन सी, कोई भी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी आ सकती है। सब्जेक्ट नॉट ओनली, वर्ब ओपन में छोड़ रहा हूँ, एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर आएगा प्लस बट आल्सो, अच्छा इसमें अब वर्ब ऑप्शनल है, देन ऑब्जेक्ट। तकरीबन डायरेक्ट आप वर्ब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, पर अगर वर्ब की ज़रूरत है तो वो ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। जैसे उसने न सिर्फ मुझे माफ़ किया बल्कि उसने मुझे पैसे भी दिए। ही नॉट ओनली फॉर गेव मी बट ऑल्सो गेव मी मनी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर गेव मी आ गया, तो वर्ब भी आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। उसने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया। ही नॉट ओनली टोल्ड लाई बट ऑल्सो ब्लेम्ड मी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ना सिर्फ बल्कि, उसके बाद है अपाइन। अपाइन का मतलब है जिस तरीके से आप अगर ये बोलना चाहो, खाकर तो देखो, खाकर तो देखो। अपाइन के लफ्जी माना है राय देना, यानी कोई चीज़ अगर खाने के बाद, करने के बाद आप उस पर राय देते हैं ना, तो आप उससे पूछते हैं कि आप चाय पीकर तो देखो, ठीक है, वहाँ चलकर तो देखो, उससे बात करके तो देखो, तो ये है अपाइन। अब अपाइन का स्ट्रक्चर सिंपल है, डायरेक्ट वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, इसमें एक ही बनेगा इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन एंड आएगा, फिर अपाइन आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चाय पी कर तो देखो, चाय पी कर तो देखो, टेक एंड अ पाइन टी, उसे बात करके तो देखो, टॉक एंड अ पाइन हिम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश के अंदर, बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं मगर मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ चार आज शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए।